मंगल ग्रह को लेकर सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। मंगल ग्रह पर नासा को ऐसा क्या दिख गया है जिससे वो कांप उठा है और इसरो से मदद मांग रहा है। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का डंका हर जगह बज रहा है। अब भारतीय वैज्ञानिकों का ही मदद अब नासा ले रहा है। अब मुसीबत में नासा को इसरो की याद आ रही है और पर्सुरंस द्वारा इकट्ठा किया गया सारा डेटा इसरो के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो गया है। मंगल ग्रह पर नासा को ऐसा क्या डर सता रहा है, जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारे भारतीय वैज्ञानिक किसी से कम नहीं है। मुसीबत में अब नासा को हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की ही याद आ रही है। इसरो के चीफ डॉक्टर के सिवन पूरी तरह से तैयार हो गए हैं नासा की मदद करने के लिए। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारत, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ अपने मंगल मिशन का डाटा साझा किया है। एजेंसी ऐसा इस वजह से किया है ताकि मंगल ग्रह का चक्कर लगा रहे इन देशों के अंतरिक्ष यानों की आपस में किसी तरह की टक्कर के जोखिम से बचा जा सके। दोस्तों, आपको बता दें, भारत, चीन, यूएई और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के यान भी मंगल ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए यानों के बीच किसी टक्कर के जोखिम को कम करने के लिए डाटा का आदान प्रदान किया गया है। और आपको बता दें, नासा ने एक बयान में कहा है कि हम अपने मिशन को सुरक्षित करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। हमारा जो भी मंगल ग्रह पर मिशन भेजा गया है वो सुरक्षित रहना चाहिए। उसके लिए हम अपने डेटा को भी सभी स्पेस एजेंसियों के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। नासा को मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा डर ये सता रहा है कि कहीं उसका जो पर्सुरंस रोवर है वो कहीं नष्ट ना हो जाए, क्योंकि मंगल ग्रह पर इसरो, यूई और यूरोपीय स्पेस एजेंसी भी और चाइना भी अपना मिशन भेज चुके हैं। आपस में कहीं ये सारे मिशन जो भेजे गए हैं, इनके जो रोवर हैं, कहीं आपस में भिड़ ना जाएं और वहाँ पर एक महाविनाश हो जाए और सभी का जो रोवर है नष्ट ना हो जाए। यही सबसे बड़ा डर नासा को सता रहा है, क्योंकि नासा अब तक का सबसे एडवांस और सबसे कुशल जो रोवर भेजा है ये बहुत मेहनत के बाद तैयार हुआ है और मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश करने के लिए एकमात्र यही विकल्प है, जो नासा को ये खोज करके बता देगा कि मंगल ग्रह पर हाँ जीवन था और अभी भी जीवन वहाँ पर हो सकता है। इसलिए किसी भी हद तक नासा गुजर सकता है, इसीलिए सभी स्पेस एजेंसियों से हाथ मिला लिया है और अपना डेटा शेयर भी कर दिया है। और आपको बता दें, भारत का मंगलयान 2014 से मंगल की कक्षा में लगातार चक्कर लगा रहा है। नासा के मौजूदा यान का लैंडर पिछले महीने मंगल पर उतरा था और इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं पर्सुरंस रोवर की। जी हाँ दोस्तों, वो एक के बाद एक और दुर्लभ वीडियो नासा के पास भेज रहा है। नासा की उम्मीदों से कहीं बेहतर काम कर रहा है, इसलिए नासा को पूरी तरह से उम्मीद है कि मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश करके पर्सुरंस रोवर जरूर हमें बता देगा। और दोस्तों, वहीं चीन का यान तियानवेन 1 मंगल ग्रह की कक्षा में चक्कर लगा रहा है और ये मई या जून में मंगल ग्रह पर उतरने की तैयारी कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात का यान होप मंगल की कक्षा में केवल चक्कर लगा रहा है और ये वहाँ उतरने की कोशिश नहीं करेगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के दो यान मंगल का चक्कर लगा रहे हैं। और आपको बता दें, नासा ने चीन के साथ डाटा साझा करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस से अनुमति मांगी थी और चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से बात की थी, जिसकी पूरी तरह से अनुमति मिल गई है। अब डेटा शेयर कर देगा नासा।